these are the लर्निंग आउटकम विच कैम्ब्रिज नीड्स, ठीक है, फ्रॉम यू पीपल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके. हमारे पास अंडरस्टैंड द स्केलर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड, ठीक है, वाइल वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. नो द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर स्केलर, इनके अलावा कोई नहीं है जो करनी हो, ठीक है ना. ये सिलेबस में सिर्फ इतनी ये पांच क्वांटिटीज हैं, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है. फिर वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, इनके अलावा नहीं है कोई. फिर हमारे पास डिटरमाइन बाय कैलकुलेशन द रिजल्ट ऑफ टू वेक्टर्स एट राइट एंगल, 90 डिग्री पे होंगे, सिर्फ उन्हीं को करना, बाकियों को नहीं करना. कोई बच्चे मेरे ही नोट पुराने, बेटे नेट वगैरह किसी और जगह अवेलेबल होते हैं, वहां से बेटे कर पैरोग्राम ऑफ फोर्सेस दूसरी चीजें 60 डिग्री एंगल पे करनी शुरू होगी, वो सिलेबस में नहीं रही तो नहीं करना, ठीक है. ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट. हमने शुरू में कैटेगराइज किया था फिजिकल क्वांटिटीज को इनटू टू मेन कैटेगरीज. वन इज नोन एज स्केलर एंड अदर इज नोन एज वेक्टर. अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हो जिसके सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हो, डायरेक्शन ना हो, ठीक है, उसको आप कहेंगे स्केलर है. और वो वाली फिजिकल क्वांटिटी जिसके न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर रही है, उसे हम कहते हैं वेक्टर है. अब लेट्स स्टार्ट. स्केलर में क्या लिखा होगा हमारे पास? दिस इज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर डैश ओनली आर कॉल्ड स्केलर, बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली. मैग्नीट्यूड कह लो, ठीक है, या हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू कह लो, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू या नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू एक नंबर ही होता है ना. ओनली आर कॉल्ड स्केलर्स, ठीक. अब कौन कौन सी हो सकती है? लेंथ की कोई डायरेक्शन नहीं होती, डिस्टेंस की डायरेक्शन होती है. अब देखो लेंथ को मैंने अंडरलाइन नहीं किया था, डिस्टेंस को अंडरलाइन किया हुआ बेटा. ये जिस चीज को अंडरलाइन किया हुआ इसका मतलब कैम्ब्रिज के सिलेबस के अंदर है, उसने इससे बाहर नहीं पूछना. लेकिन मैंने ये भी क्यों दिए हैं फिर, क्योंकि पता तो होना चाहिए ना थोड़ा सा, ठीक है. यानी उसने लेंथ के बारे में, उसने डिस्टेंस के बारे में पूछना है कि स्केलर है वेक्टर, लेकिन हमें कुछ चीजों का आइडिया होना चाहिए, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हर चीज स्पेसिफाई कर. तो लेंथ की कोई डायरेक्शन नहीं बेटा, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं, ठीक है. आपके घर से सॉल्ट अकेडमी कितना डिस्टेंस है, ठीक है, वो ये नहीं है घर से सॉल्ट अकेडमी, घर सॉल्ट अकेडमी से घर, बेटे वो दरम्यान में जो सेपरेशन आ रही है वही है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है. टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं है. अगर कोई आपको कह रहा है कि टाइम की डायरेक्शन तो डेफिनेटली है, दिस इज फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर, वो टाइम नहीं बेटा. टाइम तो वो आपकी एज चलती जा रही है उसके मुताबिक, लेकिन बेसिकली टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं है. मैस, मेजर ऑफ इनर्शिया या क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है. मैस की कोई डायरेक्शन नहीं है, वॉल्यूम की कोई डायरेक्शन नहीं है. 5 लीटर पेट्रोल लिया, किस डायरेक्शन में लिया, इसका कोई चक्कर ही नहीं, ठीक है ना. डेंसिटी की बेटे कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं है. सो आपका स्पीडोमीटर आपको गाड़ी की स्पीड दे रहा होता है दैट यू आर मूविंग एट स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होती उसमें. वर्क जो है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है. एनर्जी हमारे में इतनी एनर्जी है, किस डायरेक्शन में, कोई नहीं. केमिकल एनर्जी है ना हमारे अंदर. पावर की कोई डायरेक्शन नहीं है, प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं है. हाफ लाइफ, आधी जिंदगी, यानी कि लाइक एक्सपायरी डेट, हर किसी भी प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट है, उसके आधी अगर गुजर जाएगी तो हम कहेंगे हाफ लाइफ गुजरेगी, आधी लाइफ रहेगी. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज या पोटेंशियल, इनकी बेटा कोई जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं, उसे हम कहेंगे दैट इज बेसिकली अ स्केलर, वो स्केलर है, ठीक है. तो स्केलर क्या है? सिंपली नंबर है. तो नंबर को क्या कर सकते हो आप? ऐड भी कर सकते हो, 2 + 2 = 4 होता है, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, 8 - 3 = 5 होता है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 6 × 4 = 24 होता है, आप डिवाइड भी कर सकते हो, 18 × 9 = 2 होता है. बस सिंपल अर्थमेटिक रूल, मैंने अर्थमेटिक रूल ही अपना, मल्टीप्लाई डिवाइड, सिंपल नंबर है ना. नंबर की कोई हमारे पास डायरेक्शन इसमें है ही नहीं. अब इसको अगर वेक्टर्स को हम डिफाइन करते हैं, दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज विच नीड डैश एज वेल एज डैश. तो क्या होगा यहाँ पे? मैग्नीट्यूड आएगा,
एज वेल एज डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन होना भी नेसेसरी है, ठीक है, विच इज स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है, एज वेल एज डायरेक्शन. फॉर देयर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आर कॉल्ड वेक्टर्स, जैसे डिस्प्लेसमेंट हम आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं, इसकी डायरेक्शन होती है, हम यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करके इसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी, लेकिन अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाता हूँ ये डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है ना, तो हमारे पास ये डायरेक्शन में जा रहा हूँ, जिसमें डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस को कहते हो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है. उसके बाद बेटे हमारे पास वेलोसिटी, डेफिनेटली डायरेक्शन है, स्पेसिफाई करनी पड़ती है हमें. एक्सेलेरेशन, बिल्कुल डायरेक्शन है इसकी, ठीक है. फोर्स या वेट, हमेशा वेट डाउनवर्ड ही लगता है ना, आसमान की तरफ तो नहीं लग रहा, डायरेक्शन बिल्कुल डाउनवर्ड टुवर्ड्स एंड प्रॉपर. फोर्स दरवाजे पे लिखता है पुश या पुल, किस टाइप में फोर्स अप्लाई करनी स्पेसिफाई कर रहा होता है. मोमेंटम विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये भी वेक्टर है. मोमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को कह देते हैं, कोई चीज टर्न करती है, जैसे डोर को ओपन करते टर्न करके जाता है ना, गाड़ी का टायर जो है वो टर्न कर रहा होता है, स्टेयरिंग जो है वो टर्न करता है. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जी जो होती है, कोई चीज़ अर्थ की तरफ गिरती है ड्यू टू सर्टन फील्ड, क्यों, हम अर्थ की फील्ड के अंदर हैं, या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, या फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दूसरी आ सकती है, दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक हो गया. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मूव करनी, आगे बेटा डिटेल इनकी आएगी, लेकिन हम यहाँ पे हम सिंपल कैटेगराइज करें, जिस चीज की डायरेक्शन है दैट इज स्केलर, जिसकी डायरेक्शन नहीं है दैट इज सॉरी, जिस चीज की डायरेक्शन है, गलत बोल दिया था बेटे मैंने, जिस चीज की डायरेक्शन है दैट इज वेक्टर, जिस चीज डायरेक्शन नहीं दैट इज अ स्केलर. अब वेक्टर की कोई डायरेक्शन है तो डायरेक्शन किसी डायरेक्शन में हमारे पास साइड पे ही होगी ना, तो वेक्टर्स नीड स्पेशल मेथड फॉर द एडिशन, उनको हम सिंपली अर्थमेटिक मैथ में जो रूल्स हैं उनके थ्रू हम नहीं उनको कर सकते, उनके लिए हमें डिफाइंड रूल चाहिए होते हैं, ठीक है. अगर फायर भी करते हैं, ऊपर कर रहे हैं, साइड पे कर रहे हैं, टुवर्ड्स राइट या लेफ्ट कर रहे हैं, किसी डायरेक्शन में कर रहे हैं ना, मूव कर रहे हो, ठीक है, किसी डिफाइंड डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हो, वेलोसिटी की डायरेक्शन आ रही होती है, तो इनके लिए स्पेशल मेथड होता है. अब डायरेक्शन किस तरह होता है, जिस तरह हमारे पास देखा होता है कि हमारे पास इस तरह एरो बटा बना होता है कि ये चीज इस तरफ है, ठीक है, सपोज मेट्रो ये इस तरफ है, तो इसका मतलब हमारे पास वो एरो स्पेसिफाई क्या कर रहा होता है, ये डायरेक्शन, एरो हमेशा एरो हेड डायरेक्शन देता है, ठीक है, हमेशा, तो वो हमें वही डायरेक्शन में आने की वजह से स्पेशल मेथड को ऑप्ट करना पड़ता है. अब रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं वेक्टर्स को, वेक्टर हमेशा स्ट्रेट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट होता है, कभी भी वेक्टर कर्व या वेव लाइक स्ट्रक्चर से नहीं होगा या वाइब्रेशन से नहीं होगा, इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, लाजमी है, ठीक है, लाजमी है. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लिखा है अ वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड ऑन अ पेपर विद द हेल्प ऑफ अ डैश विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. अब स्ट्रेट लाइन क्या है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन होगी, एक ये स्ट्रेट लाइन होगी बेटे, दूसरी ये स्ट्रेट लाइन, दोनों में फर्क किसका आ रहा है, लेंथ का आ रहा है, एक की लेंथ ज्यादा बनाई, एरो तो दोनों के सेम है, एक ही तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है लेंथ जो होगी वो क्रिटिकल है, ठीक, और लेंथ किसको रिप्रेजेंट करती है, उसकी मैग्नीट्यूड को, इसका मतलब है ये कि फोर्स अगर है तो ये 20 न्यूटन को मे बी रिप्रेजेंट कर रहा हो और ये हमारे पास 62 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतनी न्यूमेरिकल वैल्यू भी ज्यादा होगी या उतना मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा, तो हमारे पास इट मीन्स दिस इज रिप्रेजेंटिंग सच दैट लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है ऑफ द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन एज पर स्केल, स्केल हमें कंसिडर करना पड़ेगा, लाहौर से पंडी का हम जो है 380 किलोमीटर है, लेकिन जब हम उसको प्लॉट करते हैं या अब आप गूगल में देखते हो मैप के अंदर डिस्टेंस 380 आ रहा होता है, लेकिन वो आपको स्क्रीन के अंदर ही आ रहा होता है ना, अब स्क्रीन का साइज तो 380 किलोमीटर नहीं है या 320 किलोमीटर नहीं है या 120 किलोमीटर नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब किसी स्केल के अकॉर्डिंगली वो आपको बता रहा होता है, ठीक है. आप पूरा पूरा मैप जो है एक एक पेपर पे बना देते हो बेटे, इसके बाद कोई स्केल चूज करते हो तो बनता है ना, ठीक है, सच लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन एज पर स्केल गिव्स इट्स
मैग्नीट्यूड, लेंथ जो होती है हमेशा मैग्नीट्यूड देती है उसकी, जितनी लेंथ कम होगी मैग्नीट्यूड कम होगा, इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी, और जितनी लेंथ ज्यादा होगी मैग्नीट्यूड ज्यादा, न्यूमेरिकल वैल्यू। एंड डैश एट इट्स वन एंड एंड एरो हेड, क्योंकि एरो हेड से हमें डायरेक्शन का पता चलता है, एट इट्स वन एंड गिव्स इट्स डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसका मतलब हमारे को से। तो वेक्टर हमेशा स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होगा, वेक्टर कैन नेवर बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ कर्व, या फिर हमारे पास कभी भी वो जो वेव लाइक स्ट्रक्चर है उससे नहीं हो सकता। ठीक, अब अगर हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन से होगा तो इसके अंदर दो तीन चीजें आ रही बेटे अब, कि लेंथ किसकी होगी, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगी, एरोहेड के रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा उसको। अच्छा, ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट। अगर लेकिन अगर कोई चीज कर्व में मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, लाइक कि ये हमारे पास है कि सर्कुलर पाथ में चीज मूव कर रही है। ठीक है, अब इसमें अगर मैंने इसकी स्पीड देखनी है, अगर स्पीड देखनी है बेटे, तो आप क्या करोगे, एरोहेड बनाओगे, यहाँ पे इस जगह स्पीड मैंने देखी, ये वाली स्पीड आ रही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्पीड देखी इस पोल बेटे, ये वाली आ रही है, इस जगह स्पीड जो इसकी मैंने कैलकुलेट की वो हमारे पास ये वाली स्पीड यहाँ पे बेटे होगी इसकी स्पीड। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये स्पीड इस जगह होगी, तो इसका मतलब है ये हमारा, मैं करके रहा हूँ, ये मैंने स्पीड लेनी है, तो मैं उस जगह पे बेटे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, उस जगह पे उस इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे टेंजेंट बना रहा हूँ। अब मैंने कोशिश की है कि मेरी सारी जो लेंथ है सेम हो, अगर लेंथ सेम है तो इसका मतलब है लेंथ किसको रिप्रेजेंट करती थी, मैग्नीट्यूड को, और मैग्नीट्यूड क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्पीड को। इसका मतलब है यहाँ पे गाड़ी का स्पीडोमीटर जो है जो वैल्यू शो कर रहा होगा, दैट इज सपोज 20 मीटर्स पर सेकेंड रिप्रेजेंट कर रहा है, वही वैल्यू यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड बेटे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे भी स्पीडोमीटर में जो वैल्यू आ रही होगी, अब स्पीडोमीटर न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा होता है, ये नहीं दे रहा था आप नाइन जा रहे हो, इंडिया जा रहे हो या फिर इंग्लैंड जा रहे हो। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड हर जगह स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन यही अगर डायग्राम है, अगर थोड़ा सा और अगर बेहतर कर दूं, यहाँ पे वही डायग्राम है, एरो पहले छोटा था, मैंने एरो थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ये एरो मैंने और बड़ा कर दिया, ये एरो मैंने सबसे ज्यादा कर दी। अब क्या रिप्रेजेंट कर, अब हमारे पास फर्क किस चीज का रहा, दोनों डायग्राम्स के अंदर, दोनों डायग्राम में लेंथ का फर्क है। अब लेंथ किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को। ठीक है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, इसका मतलब है हमारे पास फ्यूरू के अंदर जो है, यहाँ पे तो स्पीड 20 ही है, लेकिन यहाँ एरो लेंथ इंक्रीज करने से स्पीड भी इंक्रीज कर गई है, दिस इज नॉट 20 नाउ, सपोज दिस इंक्रीजेस टू 29 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ फर्दर इंक्रीज करके वो सपोज हो चुकी है, दिस इज 44 मीटर्स पर सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास कितनी होगी, दिस सपोज दिस इज 81 मीटर्स पर सेकेंड। तो लेंथ वेरी करने से हमने स्पीड भी वेरी कर ली। अब दोनों डायग्राम में फर्क क्या है, इसके अंदर और इसके अंदर सिर्फ लेंथ का ही फर्क था ना, तो इसका मतलब है ये हमारे पास कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट होगी, स्पीडोमीटर पर जो वैल्यू आ रही है दैट इज कांस्टेंट, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, यहाँ पे यहाँ मूव कर रहे हो, यहाँ पे इस डायरेक्शन मूव कर रहे हो, यहाँ इधर मूव कर रहे हो, यहाँ इधर मूव कर रहे हो, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट स्पीड को, बट वेरिएबल, कांस्टेंट स्पीड बट चेंज ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हो रही है, अगर डायरेक्शन चेंज होगी इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, कहने का मतलब ये होता है, जबकि यहाँ पे स्पीडोमीटर पे जो वैल्यू आ रही है वो भी चेंज होती जा रही है, और डायरेक्शन भी क्या है वो भी चेंज हो रही है, तो इसमें हमारे लिखे हैं बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन चेंजेस। ठीक है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होती है, इसका मतलब यहाँ पे भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहाँ पे भी वेलोसिटी चेंज हो रही है। बेटे अगर वेलोसिटी चेंज हो रही हो, वेलोसिटी चेंज हो रही हो, तो इसका मतलब है चीज लाजमी एक्सलरेट करती है, और अगर चीज एक्सलरेट करती है तो लाजमी उस पर कोई ना कोई
रिजल्टेंट फोर्स लगती है, ठीक है, एंड वी कॉल दैट फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स आप लोगों ने स्कूल में पढ़ी होती है वो। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये चीज एक्सेलेट कर रही है, तो एक्सेलेशन की डायरेक्शन क्या होगी? वो हमेशा एक्सेलेशन की वही डायरेक्शन होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी, लाजमी एक्सेलेशन भी उस डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ फोर्स क्या होती है? टुवर्ड्स सेंटर होती है। तो एक्सेलेशन की डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स सेंटर होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो, ये फोर्स आ रही है, ये भी हमारे पास फोर्स आ रही है बेटे, ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, ठीक। इसका मतलब फोर्स एंड एक्सेलेरेशन बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। ये फोर्स है, ये भी फोर्स होगी, ये भी फोर्स होगी, ये भी फोर्स होगी, ठीक है। या अगर ये भी एक्सेलेरेशन है, ये भी एक्सेलेरेशन है, ये भी एक्सेलेरेशन है, ये भी एक्सेलेरेशन। अब दोनों में एंगल क्या आ रहा है? ये मैंने टुवर्ड सेंटर बनाया, ये मैंने टेंजेंट बनाया, तो दोनों में एंगल लाजमी 90 होना नेसेसरी है। दोनों में एंगल जो आ रहा है, दिस इज 90 डिग्रीज। इसका मतलब ये हमारे पास 90 का एंगल आएगा, लाजमी है, ठीक। अब मैंने देखो, ये मैंने क्या था, स्ट्रेट लाइन थी। स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट करे? एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन वेक्टर है, तो वेक्टर स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होता है। अगर आप इस वाले डायग्राम को भी देखते हो, तो इसके अंदर भी हमारे पास ये सारे के सारे वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब हमारे पास डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो यहाँ पे भी चीज एक्सेलेरेट कर रही है, यहाँ पे भी चीज अगर एक्सेलेरेट कर रही है, तो उसको भी हमारे पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए रिप्रेजेंट करने की। तो यहाँ पे भी एक्सेलेरेट कर रही है, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन हमेशा वही होगी जो कि रिजल्टेंट फोर्स की होती है। फोर्स जब कोई चीज सर्कल मूव करता है, तो वी कॉल दैट फॉर सेंट्रीपेटल फोर्स। आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन सेंट्रीपेटल फोर्स क्योंकि हमेशा टुवर्ड सेंटर होती है, तो फोर्स है तो फोर्स हमेशा वेक्टर से रिप्रेजेंट होती है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास, इसके भी जो बननी है ये। अब ओवरऑल देखें दोनों केसेस के अंदर, बेटे हमारे पास वेक्टर आपने कह दिया, फोर्स वेक्टर है, एक्सेलेरेशन वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो किससे रिप्रेजेंट हुआ? यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट हुआ, किससे? कर्व से तो रिप्रेजेंट नहीं हुआ। किसी जगह मैंने कर्व्स नहीं यूज किया, हर जगह स्ट्रेट लाइन बनाई है। तो इसका मतलब वेक्टर हमेशा स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होगा, कभी भी कर्व से नहीं होगा, कभी भी कर्व से नहीं होगा। तो वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इट्स मैग्नीट्यूड या लेंथ, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटिंग इट्स मैग्नीट्यूड, और हमारे पास जो डायरेक्शन आ जाएगी वो एरो हेड ने स्पेसिफाई करनी, वो एरो हेड ने स्पेसिफाई करनी। इससे नॉर्मली ये बताया जाता है ईस्ट इस तरफ है, वेस्ट है, नॉर्थ और साउथ है। वैसे भी देखो ना, अगर हमारे पास लाइक दिस इज अ प्लेन, एक F-16 जा रहा है बेटे, और इसको हिट करना है यूजिंग अ कैनन विच इज एट दिस स्टेशन, ठीक है। अब हमारे पास व्हाट शुड बी द पोजीशन, पोजीशन क्या होनी चाहिए? वो ये होनी चाहिए बेटे, क्योंकि यहां से अगर हम बुलेट एक फायर करेंगे इस वेलोसिटी के साथ, इस वेलोसिटी के साथ अगर हम बुलेट फायर करेंगे, तो बुलेट डेफिनेटली इसको जाके हिट करने की कैपेबिलिटी रखती है, ठीक है। बुलेट इसको जाके हिट करने की कैपेबिलिटी रखती है, क्योंकि बुलेट ने जो पाथ ट्रेस करना है वो स्ट्रेट नहीं होगा बेटे, वो कर्व पाथ होगा, वो कुछ ये वाला पाथ होगा, इस पाथ पे जाते हुए इसको इतना जाके हिट कर देगी वो। तो इसका मतलब दो तीन चीजें जो हैं, अब इसका एरो हेड मैंने छोटा बनाया, बड़ा बना देंगे तो ज्यादा वेलोसिटी को इंडिकेट करेगा, ज्यादा इसकी उसको रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड को, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कैनन था जिसके थ्रू हमने इसको हिट किया प्लेन को। तो लेंथ अगर बड़ी बना दोगे बेटा, तो हमारे इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, ज्यादा डायरेक्शन से मूव, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है। और ये एंगल जो आ रहा है, जो मैंने थीटा से रिप्रेजेंट, एंगल नॉर्मल थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो एंगल जो है इट प्रोवाइड्स यू एक्यूरेट डायरेक्शन, एंगल प्रोवाइड्स एक्यूरेट डायरेक्शन। ठीक हो गया, ओके। अच्छा अब बेटे हमारे पास यहाँ तक तो हो गया है, अब हमारे पास आते हैं इसके इनको वेक्टर्स को हम ऐड किस तरह करते हैं। ओनली एडिशन ऑफ टू वेक्टर विच आर 90 डिग्री टू ईच अदर, दे आर पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बाकी नहीं है। अब लिखा क्या हुआ है हमारे पास, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स मैंने लिख दी है,
हेड टू टेल रूल क्या होता है? दो किस्म के हम रूल्स यूज करते हैं, एक हेड टू टेल रूल, यानी पहले वेक्टर का हेड नेक्स्ट या सेकंड वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइन करना है, या इन अदर वर्ड्स टेल जो होगी सेकंड वेक्टर की इट मस्ट बी ज्वाइन विद द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ताकि ट्रेन लाइक स्ट्रक्चर बनता रहे। अच्छा, अब इसमें फर्स्ट रूल जो मैं लिखा है, ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर एज पर स्केल, स्केल मस्ट कवर 3/4 पार्ट ऑफ द प्रोवाइडेड 75% स्पेस गिवन होनी चाहिए, यानी जैसे मेरे पास ये वाली स्पेस है इसमें मैंने डायग्राम कंप्लीट करना है, तो ये ना हो कि मैं इतनी सी ये मेरे पास जो स्पेस थी बेटे वो सपोज ये वाली थी, इसके अंदर गैमलिन का आपने कंप्लीट करना है और मैं इसको इतनी सी जगह पे बना के आता हूँ ये वाला हिस्से, तो मैंने इसका मतलब है जगह ऑक्यूपाई नहीं की। कैम्ब्रिज की रिकमेंडेशन है कि एटलीस्ट 50% स्पेस ऑक्यूपाई करना नेसेसरी है। ये उसी तरीके से है कि अगर आपको इतना बड़ा प्लॉट दिया घर बनाने के लिए, इतने से जगह आप झोंपड़ी बना के बैठ गए कि मेरा घर बन गया, ठीक है? तो बेटे जितनी स्पेस पेपर में गिवन होती है उसको एटलीस्ट 50% कवर करना जरूरी होता है। ये कैम्ब्रिज के इंस्ट्रक्शन हैं, ये एक्यूए बोर्ड के इंस्ट्रक्शन हैं, ठीक है? तो इसलिए हमारे पास हम स्केल अप्रोप्रिएट चूज करते हैं। दूसरा, ड्रॉ द सेकेंड वेक्टर इन सच अ वे दैट इट्स टेल मस्ट ज्वाइन विद द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, दैट इट्स टेल मस्ट ज्वाइन विद द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर करते हैं अभी। द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ लास्ट। व्हाट डज इट मीन? आप सपोज करना शुरू करते हैं बेटे, एक 12 न्यूटन फोर्स राइट साइड पे लग रही है, ईस्ट की तरफ लग रही है, या दूसरे या अपवर्ड लग रही है, या नॉर्थ की तरफ, कह रहा हूँ ठीक है? 9। तो फर्स्ट स्टेप क्या हमने चूज करना, वी हैव टू चूज एन अप्रोप्रिएट स्केल। ये स्केल मैंने लिख लिया है, लेट कि मेरे पास जितनी जगह उसके अकॉर्डिंग अगर देखूं तो आई कंसीडर दिस इज 3 न्यूटन, 3 न्यूटन इज रिप्रेजेंटिंग 1.0 सेंटीमीटर, तो ये कितनी है 9, कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो हमारे पास इसका मतलब है 9 न्यूटन जो होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है 3.0 सेंटीमीटर को, और जो 12 न्यूटन है वो रिप्रेजेंट करेगा 4.0 सेंटीमीटर, ठीक है? अब मेरे पास कितनी जगह रहेगी इसके अंदर, इसके अंदर, इसका मैंने इसके अकॉर्डिंगली चूज किया है। अब मैंने पहला वेक्टर ड्रॉ करना है विच इज ऑफ 12 न्यूटन, ठीक है? अब पहला वेक्टर 12 न्यूटन का रिप्रेजेंट करूँ तो इसका मैंने कितनी लेंथ होनी चाहिए इसकी, इसकी लेंथ मैंने लिखी हुई 4.0 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो इसका मतलब हमारे पास 4.0 सेंटीमीटर इसकी लेंथ बनाया, ये पहला वेक्टर मेरा बेटा ये हो गया 4.0 लेंथ बनानी है। ये बेटा ये वाला आपको नजर आ रहा है, दिस इज 0, ये आपको 0 नजर आ रहा है इसको, ठीक है? अब इसमें पहला अगर मैं लाऊं 4.0 सेंटीमीटर लेंथ आनी चाहिए, तो मेरे 4.0 सेंटीमीटर कितनी आ रही है बेटा, ये यहाँ तक आ गई, समझ आ गया ना, ठीक है? अब मैंने सेकंड वेक्टर ड्रॉ करना है विच इज 90 डिग्री टू दिस वन। अब 90 डिग्री पे हमारे पास देखो ये 90 का एंगल ये आ गया, ठीक है? अब क्योंकि पहला वेक्टर जो मैंने ड्रॉ किया था ये था, इसकी लेंथ कितनी आई थी 4.0, तो मैं नीचे लिख दूंगा यहाँ पे 4.0 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। अब सेकंड वेक्टर जो मेरा है 9 न्यूटन का, 9 न्यूटन लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा 3.0 को, तो हमारे पास इसका मतलब है 3.0 लेंथ कहाँ आ जाएगी, 1, 2, 3 ऊपर आ रही है यहाँ तक, हाँ जी यहाँ तक, ठीक है 3.0 यहाँ तक आ, इसका मतलब ये है कि ये तो हमारे पास हो गया, ठीक है? दिस इज 4.0 एंड दिस वन विच इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3.0। इसका मतलब पहला स्टेप क्या लिखा होता है, ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर, स्केल स्केल चूज कर लिया, फर्स्ट वेक्टर ये हो गया। सेकंड स्टेप क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ द सेकंड वेक्टर इन सच अ वे दैट इट्स टेल मस्ट जॉइन विद द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर इज ड्रॉन इन सच अ वे दैट इट्स टेल मस्ट बी जॉइन विद द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। फिर थर्ड स्टेप क्या लिखा है, द रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ लास्ट। टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर ये था, हेड इसका ये लास्ट यार, इसको ज्वाइन कर दो तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है? मैं अगर ज्वाइन करता हूँ तो ये हो गया, ठीक है? ये हो गया, मैंने मार्क कर दिए। फिर लिखा मार्क द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट टूवर्ड्स सेकेंड वैक्टर या अवे फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर ये था सेकेंड ये था, तो डायरेक्शन क्या आनी चाहिए ये वाली, ये कह रहा है कि इस डायरेक्शन में मार्क करना है आपने, तो फिर मार्क इट वो ये वाली होगी बेटे। फिर क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय पाइथागोरस में अप्लाई करने, ठीक है?
ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो ये भी क्या 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, अंडर रूट करते हैं तो 25, 5 बनता है, ये 5 आना चाहिए, ठीक है। या फिर क्या लिखा हुआ है, और मल्टीप्लाई द मेजर लेंथ विद द चोजन स्केल। अब लेंथ अगर हम देखें, लेंथ हमारे पास बांध कितनी रही है ये वाली, ठीक है, तो बेटे ये हमारे पास, ये अगर लेंथ देखें यहाँ से कितनी बनती है हमारे पास, दिस इज 5 सेंटीमीटर बन रही है ना बेटे, ये वाला 0 है, ये वाला 5 है, तो ये 5 सेंटीमीटर लेंथ आ रही है, और लेंथ हमने मेजर की है, बिकॉज दिस इज 5, ये 5 लिखा हुआ यहाँ पे, यहाँ 0 है, ठीक है, तो लेंथ इसकी कितनी आ गई, दिस इज 5 सेंटीमीटर लेंथ होगी, तो मैंने इसको लिख लिया दिस इज 5.0 सेंटीमीटर लेंथ होगी, ठीक है। अब मैंने इसके मैग्नीट्यूड अगर बताना है कि कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट कितना मेरा आंसर आ रहा है, तो मेरा आंसर जो लेंथ आ रही है दिस इज 5 सेंटीमीटर है। अब मेरे पास ये हमें पता है कि एक जो है 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 न्यूटन को, सो इट मींस 5 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करना, यहां से अगर 5 को मल्टीप्लाई करें तो इसको भी करना पड़ेगा ना, इसमें 5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 15 न्यूटन, सो दिस इज इक्वल टू 15 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब है अगर 12 और 9 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की जाती है तो आंसर 15 न्यूटन आएगा, ठीक है। और फिर लिखा 6 में, डायरेक्शन ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग एन एंगल विद एनी रेफरेंस एक्सिस। अब डायरेक्शन देखनी है, अब डायरेक्शन देखनी है, प्रोट्रैक्टर तो इसमें नहीं होता बेटा, यही होता है, इसे आप देख लेना, इसको मैं अगर रखूँ यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसको अगर रोटेट करूंगा ताकि 5 तक मैं पहुंच सकूं, ये आ गई, तो 37 डिग्रीज है एंगल, ये जो एंगल आ रहा है ये वाला सारा, दिस इज 37 डिग्रीज, ठीक है। तो बेटे अगर हमारे पास यहाँ पे अगर एंगल कंसिडर करते हो, दिस इज 37 डिग्री, आपने मेजर किया ये एंगल, दिस इज 37 डिग्री, ये डायरेक्शन दे रहा है, एंगल जो है हमें डायरेक्शन देता है, ठीक हो गया। सो दिस इज बाय हेड टू टेल रूल, क्या फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करोगे, सेकंड वेक्टर टेल, फर्स्ट वेक्टर सर आ जाएगी, रिजल्टेंट इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, ठीक है, एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर, इसकी लेंथ मेजर करोगे, दैट विल प्रोवाइड यू मैग्नीट्यूड एंड, और ये एंगल जो है दैट प्रोवाइड यू डायरेक्शन। एक और मेथड है, वी कॉल इट पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस कॉन्सेप्ट, ठीक है, एंड व्हाट पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस इज, इसमें कहता है कि टू आउटवर्ड ड्रॉन, ये देखो ये पॉइंट है यहाँ पे, ये भी आउटवर्ड है, ये भी पॉइंट आउटवर्ड है, ठीक है। इफ टू आउटवर्ड ड्रॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है लेकिन हमारे सिलेबस में वही चीज है, वही लिख दिया हुआ, आर एक्टिंग एट ए पॉइंट, एक ही पॉइंट पे दोनों लग रही, देन देयर रिजल्टेंट इज ऑब्टेंड इनिशियली बाय कंप्लीटिंग अ पैरेललोग्राम एंड देन ड्रॉ अ लाइन। अच्छा, पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट करें, अब पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के अगेन वी नीड टू कंसिडर अ स्केल, अब क्योंकि मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ मैं उसी को जल्दी से यूज करूंगा, ठीक बेटा ये मेरे पास स्केल हो गया, वही जो हमने पहले लिया वही अभी है, नो डिफरेंस, ठीक है, सेम स्केल। अब मैंने डायग्राम बनानी है, पहले 12 न्यूटन स्केल ये हो गया, 12 न्यूटन के अकॉर्डिंगली 4 सेंटीमीटर लाइन होनी चाहिए, जो मैंने ये ऑलरेडी ली हुई थी, मैंने ये ले ली बेटे, ये 4 सेंटीमीटर की लाइन आ गई, दूसरी 3 सेंटीमीटर की लाइन थी वो भी मैं ऑलरेडी कर चुका था, ये 3 सेंटीमीटर की लाइन, अब ये देखो दोनों लाइंस क्या, दे आर आउटवर्ड ड्रॉन, ठीक है, दोनों आउटपुट ड्रॉ की हुई है मैंने जिस तरह उसने दिया हुआ था। अब हमने क्या करना है, पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है, अब पैरेललोग्राम कंप्लीट करना, पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है तो ये साइड की इसके पैरेलल ये होगी, ठीक है, तो ये मैंने एक लाइन जो यहाँ से कॉपी की थी मैंने यहीं पे फिट कर दी, फिक्स कर दी ये इसके आगे। अब पैरेललोग्राम तो ये नहीं कंप्लीट हुआ, यहाँ पे एक और लाइन होनी चाहिए जो इसके बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, और जो इसकी लेंथ है वही इसकी होनी चाहिए, तो ये मैंने कर दी बेटा, ये चीज़। अब बेटे इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर कोई एरो हेड नहीं होता है, दीज आर सिंपली आर्बिट्री लाइन विच यू आर यूजिंग इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ पैरेललोग्राम, दीज आर नॉट वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर सिर्फ यही थे दो, यही थे दो, ये वेक्टर नहीं है, इनको आप डॉटेड भी बना दोगे तो ठीक है, ठीक है, और वेक्टर कभी डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट नहीं होता, वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन,
इस पे चाहे एरे हेड डाल दो तो ये वेक्टर नहीं है, फिर ये वेक्टर है अब, ठीक है। तो इन पे वो रेड स्पॉट के अंदर, बुक के अंदर प्राणी में आ गया था, वो मोस्ट प्रोबेबली अब ठीक हो गया होगा, तो वो थोड़े पब्लिशर की उससे गलती होगी, ठीक है। तो बस के इस तरह हो जाता है कि साहिल की रेड स्पॉट वगैरह सारा जो है इंटरनेशनल सारा मैं ही लिख रहा होता हूँ, ठीक है। तो आई हैव गॉन थ्रू ओ लेवल, उसमें एक गलती आई थी ये वाली, तो इसलिए मुझे याद है। इसमें भी एरो हेड नहीं है। अगर आप मार्क कर दोगे तो ओ लेवल में बेनिफिट ऑफ डाउट पे मार्क नहीं डिडक्ट करता, लेकिन होता नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया जी। इफ टू आउटवर्ड ड्रॉन फोर्सेस आर एक्टिंग एट ए पॉइंट देन देयर रिजल्टेंट इज ऑब्टेंड बाय कंप्लीटिंग अ पैरोग्राम। हमने कर लिया, पैरोग्राम कंप्लीट कर लिया। एंड देन ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द पॉइंट वेयर बोथ दीज फोर्सेस आर एक्टिंग। किस पॉइंट पे दोनों फोर्सेस लगेंगी, ये वाली, ठीक है। टू इट्स ऑपोजिट वर्ट, इससे ऑपोजिट वर्टेक्स कौन कॉर्नर कौन सा बन रहा है, ये वाला। तो आप कहते हैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है। और यहाँ पे सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, दिस इज द लाइन, ठीक हो गया। फिर उसने कहा हुआ है हमें, द एरो हेड ऑन दिस रिजल्टेंट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। यहाँ पे फोर्सेस लग रही थी, इससे हमेशा अवे होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए, यानी अवे होने का मतलब ये एरो हेड। एक डाल दो वो भी ठीक है बेटे, एक से दो डाल दो ज्यादा भी, लेकिन एक पे एक होना लाजमी है। एक डाल दो, दो डाल दो, तीन डाल दो, लेकिन एक होना लाजमी है। अब इसकी भी अगर आप लेंथ मैयर करते हो, इसकी भी लेंथ अगर मैयर करते हो बेटे, तो वही आ रहा होगा जो पहले हमारे पास है। अब यहाँ पे भी इसको कंसिडर करूँ अगर मैं, तो ये बनना है 36.9 या 37 डिग्रीज, ठीक है। तो ये भी बेटे हमने इस तरह लेंथ मैयर की इसकी, ठीक है। लेंथ हमारे पास 5.0 सेंटीमीटर ही आ रही है मेरी, उसी लेंथ को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी जो स्केल मैंने चूज किया उसके अकॉर्डिंगली, इट मींस वी शैल बी एबल टू गेट दिस आंसर देन। मैं इंक्रीज अगेन 15 न्यूटन, एंड इफ यू प्लेस अ प्रोटेक्टर एंड मेजर दिस एंगल, तो दिस एंगल अगेन विल बी 37 डिग्री, वो सेम होगा, ठीक है। इससे फर्दर दो से ज्यादा वेक्टर नहीं करना, नहीं है सिलेक्ट, ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते सी वर्कशीट के क्वेश्चन, ठीक है। नाउ आई वांट रिस्पांस फ्रॉम योर साइड थोड़ा एज वेल। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर कंटेन वन वेक्टर एंड वन स्केलर। अब इसमें अगर हम देखते हैं बेटे, हमारे पास दिस इज बेटे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, दिस इज आल्सो वेक्टर, फोर्स इज वेक्टर, काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर, एक्सेलरेशन इज वेक्टर, वेलोसिटी इज वेक्टर, पावर इज स्केलर, स्पीड इज आल्सो स्केलर। तो आंसर इज नो नो रोड, बिस्मिल्लाह, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन नाउ, विच लिस्ट कंटेन ओनली स्केलर क्वांटिटीज। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखते हैं बेटे, वॉल्यूम इज स्केलर, एक्सलेशन इज वेक्टर, टेम्परेचर इज स्केलर, काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर, मास इज स्केलर, टाइम इज स्केलर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर, वॉल्यूम इज आल्सो स्केलर, एक्सलेशन इज वेक्टर, टेम्परेचर इज स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर, मोमेंट इज वेक्टर में, डिस्टेंस जो है स्केलर है, डेंसिटी स्केलर है, फोर्स क्या वेक्टर है। उसने कहा था ओनली स्केलर, तो आंसर इज अगेन बी, फॉर बिस्मिल्लाह, ग्रेट। थर्ड में, विच लाइन इन द टेबल करेक्टली आइडेंटिफाइड फोर्स, काइनेटिक एनर्जी एंड मास एज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। तो फोर्स हमें पता है ये वेक्टर होती है, काइनेटिक एनर्जी स्केलर होती है, मास भी हमारे पास स्केलर होता है, तो वेक्टर स्केलर स्केलर, आंसर अगेन इस फॉर्मूला मतलब अभी तक बिस्मिल्लाह पे ही हम हैं। इट्स अ बिट गुड क्वेश्चन। नाउ फोर्सेस ऑफ 4 and 6 न्यूटन एक्ट एट ए पॉइंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, कुड नॉट बी। तो बेटे ऐसे क्वेश्चन में पहले रेंज डिफाइन करनी है, हम देखेंगे हमारा आंसर जिस रेंज से बाहर होगा दैट विल बी आवर आंसर। रेंज क्या है, अगर दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, अगर दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है, दोनों फोर्सेस, तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, फिर वो होगा 4 + 6, दोनों ऐड अप हो जाएंगे एक ही डायरेक्शन में, तो आंसर 10 न्यूटन हो गया। और अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक लेफ्ट पे है, दूसरी राइट पे है, एक ईस्ट के ईस्ट पे है, दूसरी वेस्ट पे है, तो फिर क्या आंसर होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में आप इनको माइनस करोगे, 6 - 4, तो फिर क्या हो गया, 2 न्यूटन हो गया। इट मीन्स योर आंसर जब
सेम डायरेक्शन का मतलब होता है 0 डिग्री एंगल है, ठीक है, और ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है कि हमारा 180 डिग्री एंगल है। तो 0 से 180 अगर पूरा देख रहे हो तो आपका आंसर 2 से 10 तक सारे आंसर हो सकते हैं, इंक्लूसिव 2 एंड 10। 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6, 5 भी है, 9 भी है, 10 भी है। जो इस रेंज से बाहर होगा दैट विल बी आर करेक्ट चॉइस, देन बिल्कुल ठीक है, तो आंसर इज ए फॉर अल्लाह होगा बेटे। तो ऐसे क्वेश्चन में रेंज डिफाइन करनी होती है, उनको ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके, फिर जो आंसर आपका उस रेंज से बियॉन्ड होगा दैट विल द करेक्ट चॉइस हियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, द ब्रेकिंग फोर्स। ब्रेकिंग फोर्स तो बेटे हमारे पास क्या होता है, दिस इज वेक्टर होता है। द एफर्ट नीडेड टू हैमर अ नेल इनटू द वुड, ये भी फोर्स ही है डेफिनेटली, दिस इज आल्सो वेक्टर। हीट नीडेड टू बॉइल सम वाटर, हीट इज स्केलर, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर स्केलर। ओके, तो आंसर यही होगा, डी में लिखा हुआ द थ्रस्ट। थ्रस्ट हम कहते हैं 90 डिग्री की फोर्स को, थ्रस्ट हम फोर्स को कह रहे होते हैं, ठीक है, हाई प्रेशर फोर्स को। तो ये भी वेक्टर है बेटे, आंसर सी हो गया। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 6 में, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्टेट विच ऑफ द टू ऑफ द फॉलोइंग आर आल्सो वेक्टर्स। एक्सलेशन वेक्टर है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, डिस्टेंस स्केलर है, स्केलर है, स्केलर है, दिस इज वेक्टर। तो आंसर इज एक्सलेशन एंड वेलोसिटी। बी पार्ट के अंदर, व्हेन टू फोर्सेस ऑफ 5 न्यूटन आर एडेड दे मेक प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट फोर्स दैट हैज एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 10। अभी ऐसा क्वेश्चन किया हमने, डिस्क्राइब हाउ इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ जीरो रिजल्टेंट फोर्स फ्रॉम द टू फोर्सेस ऑफ 5 न्यूटन। आंसर 0 है फ्रॉम 5 न्यूटन, ये तभी होगा, एक राइट पे लग रही है 5 की, दूसरी लेफ्ट पे लग रही है 5 की, ये लेफ्ट पे लग रही है, तो तभी हमारे पास हो सकता है कि हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाए, यानी इफ दे एक्ट, इफ बोथ एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट में हमारे पास बेटे, डिस्क्राइब हाउ इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट ऑफ 10 न्यूटन फ्रॉम द 2 5 न्यूटन। अब 10 न्यूटन तभी आएगा फ्रॉम 5 न्यूटन फोर्सेस, ये बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। एक ये लग रही है हमारे पास, हेड टू टेल रूल से कंप्लीट करें, दूसरी हमारे पास क्या होगी, वो ये होगी, एरो चेंज कर दें इसका, अब आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज 10 न्यूटन हो जाएगा, सिंस बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, तो आंसर इज ये बोथ एक्ट इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में, सो दिस इज ए स्टारगेट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फोर्सेस ऑफ 3 एंड 4 न्यूटन आर एक्टिंग एज शोन इन द डायग्राम। ये एक 3, ये एक 4 है। इफ यू लुक हियर, बोथ दिस फोर्सेस आर एक्टिंग एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे लग रही हैं। इट मींस ये स्टेटमेंट देने से एग्जामिनर ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया आपको दैट यू ओनली हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बाय पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो पैरेललोग्राम फोर्सेस तो ये 3 होगी बेटा, ये 4 है, तो रिजल्टेंट हमारे पास इस तरह आना चाहिए और ये इस तरह मांगा हुआ, तो आंसर इसका क्या बनेगा, दिस इज ए फॉर अल्लाह आंसर होगा, ठीक है, पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज डन विद द हेड टू टेल रूल, सो व्हाट शुड बी द आंसर, विच डायग्राम करेक्टली शोज द एडिशन ऑफ 4 एंड 3 न्यूटन। आंसर इज बेटे ए ही बनेगा, क्योंकि फर्स्ट वेक्टर ये हो गया, सेकंड वेक्टर ये हो गया, रिजल्टेंट इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, सो दिस शुड बी द रिजल्टेंट, एंड एरो ऑफ रिजल्टेंट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द लास्ट वेक्टर। और वैसे भी अगर इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल मान ली, पाइथागोरस में अप्लाई करते हुए बेटे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, सो इट बिकम्स 25 विद स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट गया तो 5 आ गया, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 5, तो 5 इज रिटन हेयर। और वैसे भी ना भी करते हम कैलकुलेट, तो सारों में 5 ही लिखा हुआ था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, फोर्सेस अप्लाइड टू 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, द लेंथ ऑफ एरोज इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स व्हिच ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। कोई चीज रेस्ट में तभी होगी जब वो मूव ही नहीं करेगी, नॉट इन मोशन,
अगर मूव ही नहीं करेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। तो अगर कहते हैं कोई चीज रेस्ट में है तो इसका मतलब कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रही होती, उसकी स्पीड क्या होती है? जीरो। वेलोसिटी कहने या स्पीड कहने में दैट इज जीरो। बेटे अगर मैं जैसे देखूं यहाँ पे, ये वही देखो यहाँ पे नीचे है, इसका मतलब ये तो बैलेंस हो रही है, वर्टिकल में तो हो रही है बैलेंस, तो इसमें ये जो है इसको बैलेंस कर रही है, ठीक है। और अगर इसको मैं देखूं, हमारे पास कितनी लेंथ ये है, क्या उतनी ही लेंथ ये बन रही है? बिल्कुल बन रही है, और है भी ऑपोजिट है, इसका मतलब ये बात तो ठीक लग रही है मुझे, ये भी इसको बैलेंस कर रही है, ठीक है, ये तो ठीक हो गया, ए आंसर लग रहा है मुझे। लेकिन बाकी भी देखते हैं, अब इसमें देखें ये जो हमारे पास फोर्स है आपको बी के अंदर, क्या इसको बैलेंस कर रही है? बिल्कुल कर रही है, ठीक है। और ये जो फोर्स है दूसरी, ये वाली, क्या इसको बैलेंस कर रही है या इसको बैलेंस नहीं कर रही है? नहीं कर रही है, कैसे? एक और से देखो, नहीं, कर रही है, कर रही है, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये और हमारे पास ये भी बैलेंस कर रही है, लेकिन ए और बी दोनों का आंसर सेम कैसे हो सकता है? ठीक है, अभी देखते हैं, वो भी आता हूँ। इनको देखते हैं बेटे, हमारे पास इफ दिस इज वन साइड, तो क्या ये भी इसको बैलेंस करती है हमारे पास या नहीं? ये भी कर रही है, इसका मतलब राइट और लेफ्ट ये भी कर रही है, इसका मतलब ये भी हमारे पास, मैं लिख सकता हूँ ये भी करती है, ये भी करती है, बिल्कुल ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट एक्शन में। लेकिन डी में उसने झूठ बोल दिया, वो नहीं हो रहा, ठीक है, डी में नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कि अगर मैं इसकी लेंथ यहाँ पे देखता हूँ तो बेटे ये लेंथ हमारे पास क्या है? बड़ी है, और उसी लेंथ के अकॉर्डिंगली यहाँ पे देखूँ तो लेंथ छोटी आ रही थी, ठीक है, तो ये हमारे पास वैसे ही गलत हो गया, डी वाला था, ये नहीं कर रहा, तो डी निकल गया। अब बाकियों में देखना है, अगर बेटे कोई चीज रेस्ट पे होती तो जितनी ये फोर्सेस लग रही होती हैं सारों का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स सेम होना जरूरी है, एक ही पॉइंट पे लगना जरूरी होता है इन सारी फोर्सेस का एक्ट करना। अगर ये मैं यहाँ पे देखूँ, बिल्कुल वर्टिकल फोर्स एक ही लाइन के ऊपर लग रही है, इसको देख लूँ बिल्कुल एक ही लाइन पे लग रही है वर्टिकल, ठीक है, ये तो बात ठीक थी, दोनों में ठीक होगी, सी में है ही नहीं, चले। और दूसरी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी एक ही पॉइंट पे लगनी चाहिए। अब इस फोर्स को एक्सटेंड करूं और इस फोर्स को एक्सटेंड करूं तो क्या एक ही पॉइंट पे लग रही? नहीं, दरमियान में तो सेपरेशन आ रही इतनी ज्यादा, तो सेपरेशन आने की वजह से उसने घूमना शुरू कर देना है, जिस तरह पेंसिल की एक तरफ ऊपर फोर्स लगा दो, दूसरा नीचे निब वाली साइड पे ऊपर लगा दो, टेल वाली साइड पे या रबर वाली साइड पे नीचे, तो टर्न करना शुरू होती है, इसमें टर्निंग इफेक्ट। जब टर्न कोई चीज टर्न कर रही होती कभी भी रेस्ट में नहीं होती। ऑन द अदर हैंड अगर इनको अगर आप देखते हो, इसको एक्सटेंड करूं तो यस बोथ आर पासिंग टू द सेम पॉइंट, सेम ही लाइन के ऊपर दोनों फोर्सेस लग रही हैं। अगर इनको देखें हम लोग, ये इधर लग रही बेटे, और इसको अगर देखें तो ये इधर लग रही है, ठीक है, ये इनके अंदर भी सेपरेशन आ रही है, सेपरेशन नहीं होनी चाहिए, तो आंसर आप फिर क्या हो जाएगा? बी फोबिस मिलर आंसर।